मैं चाहूं तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूं, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। देख क्या रहे हो, उठाकर फेंक दो साले को। चक्रधारी, 24 घंटे के अंदर अगर तूने अपना जुर्म कबूल करके राम को बेगुनाह साबित नहीं किया तो तुझे भी वहीं दफनाऊंगा जहां तूने सोना दफनाया है। इसको सोने के बारे में कैसे पता चला? लगता है सीता को इसी ने छुपा के रखा है। इसका मतलब इस देश का कानून बेकार है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, सब उतर गवाह सब झूठे हैं। मैं सबकी नहीं, सिर्फ इंजन ड्राइवर राम के केस की बात। उस इंजन ड्राइवर के केस का फैसला हो चुका है, फाइल बंद हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उसे फांसी भी होने वाली है। फांसी उसे नहीं होगी, फांसी पे लटकेगा तुम्हारा इंसाफ, मौत होगी तुम्हारे कानून की, क्योंकि राम निर्दोष है। अगर वो निर्दोष था तो पुलिस की हिरासत से भागा क्यों था? कोई माँ अपनी औलाद को छाती से अलग नहीं कर सकती, भले वो फांसी के फंदे के सामने खड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन तेरे उसी राम की बीवी अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई। जानता है क्यों? ताकि चोरी किए गए सोने को हासिल करके बाकी की जिंदगी ऐश कर सके। ये झूठ है, सीता दौलत के लिए नहीं बल्कि चक्रधारी से इंतकाम लेने के लिए जेल से भागी थी, क्योंकि वही असली मुजरिम है। ये सब तुझे किसने बताया? उसी लाचार और बेबस औरत ने। कहाँ है वो औरत? सॉरी, ये बात मैं पुलिस वाले को नहीं बता सकता। अजय, अजय, कानून से आग मिशो लिखे लेके गलती मत कर। क्यों जी, मेरे देवर पर क्यों बरस रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी लाड़ प्यारे से बिगाड़ दिया है। समझाओ इसे, कहीं ऐसा ना हो कि जिन हाथों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हीं हाथों से इसे हथकड़ी पहनानी पड़े। What? 10 crore? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिस्टर जैक्सन? आई थिंक यू गॉन क्रेजी। 50 करोड़ रुपए का सोना मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए में दे दूं? ऑफ कोर्स, सबको मालूम है कि ये सोना तुम्हारा ना है, चक्रधारी का है। जो भी उस सोने को हाथ लगाएगा चक्रधारी उसका मुंडी उड़ा देगा। मिस्टर जैक्सन, जो लोग मौत से डरते हैं वो इस धंधे में नहीं उतरते। अगर सोना खरीदना है तो 25 करोड़ रुपया रखो, वरना दफा हो जाओ यहां से। गेट लॉस्ट, ओके? अरे बिल्ला, बिल्ला मेरी बात तो सुनो। ठीक है, तुम्हारा सोना कोई 10 करोड़ में तो क्या, 10 पैसे में भी नहीं खरीदेगा। हम जाता है। मिस्टर जैक्सन, नाराज मत होइए, मैं बिल्ला से बात करके ये डील पूरी करवाती हूँ। Oh, fantastic! You are not only beautiful, but also very intelligent girl. Then the deal is done. Yeah. Jackson, चक्रधारी के माल पर तो गीदड़ भी नजर डालने की हिम्मत नहीं करता, फिर तूने ये गलती कैसी की? ये तो business है, profit का business में count risk नहीं उठाता। तो उठा risk। बॉल बिल्ला का है, बॉल। बस बस, बिल्ला भाग गया। चक्रधारी, तुम चाहो जमीन आसमान एक कर लो, बिल्ला तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। बिल्ला आएगा, जरूर आएगा। तुम जो हमारे हाथ लग गई हो लिली, तुम उसकी ताकत नहीं कमजोरी हो। तुम्हारे बगैर ना उसका दिन गुजरता है ना रात कटती है, वो जाएगा कहाँ? चल। तुम्हारा बाप एक चोर है, स्मगलर है, देशद्रोही है। हाय अजय, 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 मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे डैडी। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशंस, गो टू हेल। वसीम, जो पॉइंट्स बताया तैयार है ना? यस सर। हाय राकेश, आपके केस का क्या हुआ? आज पेशी है। अच्छा, अजय एक मिनट के लिए बाहर आओ ना। मैंने कहा ना मुझसे भूल हो गई,
Shut up and get out. Silence! Silence! तुम जाओ यहाँ से। Case number 786/95. Mr. Saxena और Mr. Rahul. Your Honor, मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज की गई है वो बिल्कुल गलत है। प्लीज एक मिनट के लिए बाहर आओ ना। मुझे तंग मत करो। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज चली जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? वो अब आप ही इंसाफ कीजिए, प्यार में छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं, उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं इनसे अपने किए की माफी मांग रही हूँ और ये है कि मेरी सुनती ही नहीं, ये कैसा इंसाफ है? अब आप ही समझाइए ना इन्हें। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा तो मन हुआ कि मैं इनका रेप ही कर डालूं। तुम इससे पहले भी एक बार? हाँ योर ऑनर, मैं वही मधु हूँ। देखो मिस्टर अजय, तुम दोनों बाहर जाकर खुद ही आपस में फैसला कर लो। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। दूध वाला। तुम कौन हो? रामलखन कहाँ है? वो तो रात गांव गए हैं। हम उके मौसी का लड़का हैं। हमारा नाम कुबेर है। बोलो कितना दूध दें? हेलो चक्रधारी जी, आपका शक सही निकला, सीता इसी भी अर्जुन के घर में ही है। Come in. सर आप कैसे आना हुआ? मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन किस लिए? हाँ, मेरा दावा है कि तुमने सीता नाम की मुजरिमा को अपने घर में छुपा कर रखा है। और अगर ये बात छूट निकली तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। तलाशी लीजिए। तलाशी लो। साहब यहाँ कोई नहीं है। साहब यहाँ भी कोई नहीं है। सर मिल गई। चल तुम बैठ उठाओ। अरे सावित्री, तू अपना फेसिंग क्यों नहीं दिखाती? अभी ने तो कहा था ना कि साहब के सामने अपना मुंह नहीं दिखाना। अरे इनके सामने ना सही, आईजी साहब को तो मुंह दिखा। आप पहले साहब को हटाइए ना। चलिए आप साइडिंग में हो जाइए। तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी मिस्टर अर्जुन। सॉरी आपको नहीं, इनको कहना चाहिए जो बार बार आसमान की तरफ थूकने की कोशिश करते हैं और थूक इनके ही मुंह पर गिरता है। कहिए चक्रधारी जी, अब किसका जूता और किसका सर? अच्छा सर, मैं चलता हूं। साहब इसकी चपलिंग कीजिए। आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को बहुत तकलीफ थी, चलता हूं। पुलिस वालों से तो साहब सलामत दूर की अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। भैया तुम? भैया नहीं, एसीपी अर्जुन, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली भाग नहीं जाती। सीता, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं, चलो मेरे साथ। भैया फिर वही पुराना राग? रिलैक्स, तुम इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? एक मेडल? मेडल मैं तुम्हें दे देता हूं, भूल जाओ इसे। मैं एक मिनट के लिए तुझे भूल सकता हूं लेकिन अपने फर्ज को नहीं। तुम भले ही मुझे भूल जाओ लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं भूल सकता। कोई माइकल लाल इसे छू के तो देखे। माइकल लाल को देखना है? हट जा सामने से, मैं कहता हूं हट जा। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मी छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाग जा, अजय भाग जा, इसको लेकर छोड़ो मुझे। भागिनों, जो तुम दोनों भाइयों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। भैया तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो और अपने घर वापस चले जाओ। कैसी बातें करती हो,
एक भाई अपनी बहन को क्या पुलिस के हवाले करता है? तुम मेरी चिंता मत करो, सबसे पहले हमें यह सोचना है कि बिल्ला को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। भैया अगर सुधीर हमें मिल जाए तो उससे बिल्ला का पता